दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, बेसिकली बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि SSC GD में कौन से बच्चे जा सकते हैं, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लड़के या लड़कियां। तो आज मैं फुल डिटेल्स देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की ओर। SSC GD में पढ़ाई क्या मांगती है, इसका एज क्या है और हाइट क्या लेती है और किन लोगों को छूट मिलता है, तो आज बेसिकली मैं इसी पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पढ़ाई से रिलेटेड। आपको इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, 10th क्वालिफिकेशन मांगता है। जो बच्चे आर्मी में रह जाते हैं, जिसके आर्मी में सपना नहीं पूरा हो पाता है, वो बच्चे चाहते हैं कि SSC GD में ज्वाइन करें, क्योंकि ये भी एक मिलिट्री ही है, पैरामिलिट्री है, तो इसमें 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। आर्मी में आपने सुना होगा कि इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है, और SSC GD में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। इसमें वो बच्चे भी जा सकते हैं जो सिर्फ 10th पास हो चुका है। आप कोई भी प्राइवेट स्कूल से, किसी भी जिसे वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से मान्यता प्राप्त है, आप जिसे 10th पास किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा कि आप 70%, 60% या 40% चाहिए। इसमें 33% ला कर अगर पास हुए हैं 10th में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। अब आते हैं हम लोग एज को लेकर, उम्र को लेकर। तो उम्र इसमें 18 से लेकर 23 साल तक लिया जाता है, जनरल कैटेगरीज। 18 से लेके 23 ये जनरल कैटेगरीज भर सकता है, ठीक है। यदि आप OBC हैं तो आपको 3 years का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसका हो गया 18 से 26 साल। यदि आप SC या ST हैं तो इसको 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है, इसका हो जाता है 18 से लेके 28 साल तक। ये आपका हो गया एज को लेकर। और भी कुछ एरिया ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया एरिया जो हमारे स्टेट्स हैं, इसमें कुछ और रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप इस क्राइटेरिया को देख लें। आप चलते हैं हमारी हाइट को, हाइट से रिलेटेड, ठीक है। हाइट से रिलेटेड है कि जनरल OBC और SC बॉयज में 170 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, और फीमेल के लिए 157। इसमें रिलैक्सेशन ST को मिलता है, वो इसका मेल का होता है 162.5 सेंटीमीटर और ST फीमेल को मिलता है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेशल जो आपको छूट मिलता है वो एरिया है स्पेशल, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो कौन से वो भी समझेंगे, यहाँ जहाँ पे आपको छूट मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और नक्सल एरिया जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट, ये सभी इसमें कुछ डिस्काउंट आपको स्पेशल दिया जाता है हाइट से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इसका रूल एंड रेगुलेशन को, ठीक है। ऐसे एरिया में इसको कितना हाइट लेता है वो भी मैं बताता हूँ। 160 सेंटीमीटर लेता है और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर लेता है। ये ऐसे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के लिए जो नक्सल एरिया से प्रभावित हैं, या ये सभी स्टेटों में से आप आते हैं। तो आपका लड़का है तो आपका 160 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो 147.5 सेंटीमीटर चाहिए, 147.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं रेस की ओर। इसमें रेस होता है, आर्मी की तरह नहीं होती है, लॉन्ग रेसिंग होता है। 5 किलोमीटर का रेस होता है जो 24 मिनट में करने होते हैं, वो मेल के लिए बोल रहा हूँ। फीमेल के लिए होता है 1.6 किलोमीटर, 8.5 मिनट में करने होते हैं। फिर से समझ लेंगे, लड़के के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में करने हैं और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए करने हैं। तो आई होप ये सारी जो मैं बताया हूँ जो SSC GD को लेकर, वो आप समझ गए होंगे। यदि आप समझे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हो तो, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।